उन्होंने CG BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि BSc नर्सिंग में कितने रैंक कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और आप जो है BSc नर्सिंग कर सकते हैं, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और यदि जिन स्टूडेंट के अधिक मार्क्स आता है तो कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट को जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के कितने फ़ीस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज के कितना फ़ीस होता है और छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के लिए टोटल कुल सीटें जो है कितना है और नर्सिंग का काउंसलिंग जो है कब से होगा, काउंसलिंग जो है किस तरह से किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट आपका सीट अलॉटमेंट, जो आपको कॉलेज सीट अलॉटमेंट होना रहता है और सब कुछ आपका जो है काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, मार्क्स अच्छा आ जाएगा, लेकिन आप यदि काउंसलिंग अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग में गलती करेंगे, काउंसलिंग में मिस्टेक करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होता है, किस तरह से किया जाता है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को BSc नर्सिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों को कम्प्लीटली मिल जाएगा। आप लोगों को काउंसलिंग के पूरे तरीके बताऊंगा कि किस तरह से काउंसलिंग जो है किया जाता है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के कुल सीटों की बात करें तो 4906 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के। 4906 सीटों में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें 410 सीटें जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेज में जो है 4496 सीटें हैं। वहीं बात करें तो BSc नर्सिंग परीक्षा में जो है 24751 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 4906 सीटें हैं, उससे 3 से 4 गुना फॉर्म आए हैं, 3 से 4 गुना स्टूडेंट ने आवेदन किया है और उनमें से सिर्फ 4906 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा और उसमें से भी जो टॉप रहेगा, टॉप के स्टूडेंट जिनका रैंक बहुत अच्छा, मार्क्स अच्छा है और कितना रैंक कितना मार्क्स है, उन स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और जिन स्टूडेंट का कम मार्क्स है उनको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और वो भी काउंसलिंग के ऊपर ही आप लोगों का डिपेंड करता है। कट ऑफ की बात करें कि जनरल कैटेगरी पूरा सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का मैं कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जो है आपका आएगा और इतना यदि आपका है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा आसानी से। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के यदि 65 मार्क्स से 71 मार्क्स है तो आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। OBC की बात करें तो 60 से 65 यदि है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, SC का भी 60 से 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपका मार्क्स 55 से 60 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुल 82 नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें से आपके 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 75 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पर सेमेस्टर आपका लगभग 36 से 37 हज़ार रुपया रहता है, यानी कि आपका एक साल का 70 से 90 हज़ार के करीब आपका जो है फीस लग जाएगा। वहीं स्कॉलरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो OBC कैटेगरी वाले रहते हैं उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप 29 से 30 हज़ार रुपया मिलेगा और जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है 32 से 34 हज़ार रुपये जो है स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यदि गवर्नमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 30 से 35 हज़ार आपका जो है लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग के टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं जहाँ से आप जो है BSc नर्सिंग जो आपका करने का सपना है BSc नर्सिंग कर सकते हैं और काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है, काउंसलिंग में आपको कौन कौन से सावधानी जो है बरतनी होता है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है आपका मेडिकल कॉलेज कैंपस नियर रेड क्रॉस ब्लड बैंक रायपुर छत्तीसगढ़। सेकेंड नंबर पर है आपका सदर बाज़ार बिलासपुर। थर्ड नंबर पर है महारानी हॉस्पिटल कैंपस जगदलपुर। फिर नामना रिंग रोड अंबिकापुर। फिर है आपका रायगढ़। छठवें नंबर पर है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल IPP ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव। फिर सेवन नंबर पर है आपका पटेल
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पद्मनपुर दुर्ग। तो ये सात जो है छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है। और आप लोगों को कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ कि यदि बीएससी नर्सिंग में आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को यदि कॉलेज सीट अलॉटमेंट हो जाता है, यदि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और आप यदि ये सोचते हैं कि मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है और आप उस कॉलेज को छोड़कर अगर दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन रूल या रेगुलेशन ऐसा होता है कि यदि आपको फर्स्ट टाइम फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर आप बीएससी नर्सिंग नहीं करेंगे। और जो स्टूडेंट जिनको यदि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है वो चाहे तो प्राइवेट कॉलेज को छोड़कर फिर से सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपका होता है। और अब मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के पूरे कॉलेज की लिस्ट आप लोगों को बताता हूँ और किस तरह से काउंसलिंग किया जाता है। बीएससी नर्सिंग के कॉलेज लिस्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट है आपका ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अभनपुर रायपुर में है, 60 सीट। सृष्टि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट। कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन हॉस्पिटल धमतरी में 60 सीट। पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई में 100 सीट है। सीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल भिलाई में जो है 60 सीट है। श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट। श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 60 सीट। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावतपुर सरकार इंस्टीट्यूट कुमारी दुर्ग में जो है 60 सीटें हैं। एमजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग में 50 सीट। रसोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 60 सीट। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 सीट। श्री चंद्र नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 60 सीट है। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 60 सीट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट। बोधनी देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में है 40 सीट। अधेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट में है 50 सीट। आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट में है 50 सीट। होली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है 50 सीट। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है 40 सीट। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में है 60 सीट। महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है 40 सीट। सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है 30 सीट। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है 40 सीट। मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में है 40 सीट। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग करने के लिए पूरे कॉलेज के लिस्ट हैं। आपको जो कॉलेज पसंद है वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। तो जब अगर जो भी स्टूडेंट जिनका मार्क्स हैं कैटेगरी रैंक मार्क्स आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई करके एक वीडियोस बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बीएससी नर्सिंग का यही काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।